12 करोड़ रुपए। ये रकम उस टीम को दी जाएगी जो PSL 2024 का टाइटल अपने नाम करेगी। लेकिन ये प्राइज मनी PSL की किसी भी टीम के लिए कुछ खास अहमियत नहीं रखती, क्योंकि PSL के अंदर कुछ ऐसी टीम्स मौजूद हैं जिनकी खुद की वैल्यू 700 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक की है। PSL का सिर्फ एक मैच करवाने के लिए 1.4 बिलियन यानी 1400 करोड़ तक का खर्चा आता है। दोस्तों, जो PSL टीवी स्क्रीन पे हमें दिखाया जाता है, असल में उसके पीछे की हकीकत कुछ और ही है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि PSL का बिजनेस मॉडल किस तरह काम करता है। PSL पाकिस्तान सुपर लीग, इसकी शुरुआत आज से तकरीबन 8 साल पहले 2016 में हुई। ये पाकिस्तान की ऑफिशियल क्रिकेट लीग है जो इंडियन प्रीमियर लीग यानी के IPL से इंस्पायर्ड है। PSL के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के नाम से तकरीबन 6 टीमें खिलाई जाती हैं, जिसमें कराची किंग्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान, पिशावर जलमी, लाहौर कलंदर जैसी पॉपुलर टीम्स शामिल हैं। जिस तरह IPL को BCCI कंट्रोल करता है, उसी तरह PSL को PCB यानी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल करता है। अगर PSL के रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो ये 4 पॉइंट्स में डिवाइड है। नंबर 1, ब्रॉडकास्टिंग यानी के वो टीवी चैनल्स जो PSL के मैचेस को दिखाते हैं। नंबर 2, PSL टीम्स जो के प्राइवेट कंपनीज के थ्रू ओन की जाती है। इसके बाद आते हैं स्पॉन्सर्स जो के PSL और PSL टीम्स को स्पॉन्सर करते हैं। और एंड में आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो के PSL को गवर्न करता है। दोस्तों, PCB तीन तरह से पैसे कमाती है, जिसमें सबसे पहले आती है स्पॉन्सरशिप्स। ये स्पॉन्सरशिप भी दो तरह की होती है, जिसमें पहले नंबर पर है टाइटल स्पॉन्सरशिप। ये वो स्पॉन्सर होता है जो अपना नाम लीग के साथ ऐड करवाता है, जैसे आपने सुना होगा HBL PSL। अब यहाँ पे ये जो HBL है, ये पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। 2022 में HBL ने PCB को $22.2 मिलियन देकर PSL की टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने नाम कर ली थी। इसका मतलब 2025 तक HBL ही PSL का सबसे बड़ा स्पॉन्सर रहेगा। इससे पहले की बात करें तो HBL ने 2016 से 2018 तक के लिए $5.2 मिलियन देकर ये स्पॉन्सरशिप खरीदी, और फिर 2019 से 2021 तक के लिए $14.5 मिलियन देकर ये स्पॉन्सरशिप अपने नाम की। बिजनेस मॉडल के मुताबिक इन सब पैसों में से PCB सिर्फ 5% अपने पास रखता है, बाकी 95% PSL की टीम्स को चला जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। ये वो स्पॉन्सर्स होते हैं जो कि मैच के इवेंट को स्पॉन्सर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेडियम में लगे हुए बिलबोर्ड्स, बाउंड्री वॉल्स, स्टेडियम में लगे बैनर्स, या इसके अलावा आपने नोट किया होगा कि जब भी कोई प्लेयर सिक्सर मारता है तो उस पे बोला जाता है टिकटॉक सुपर सिक्स, तो यहाँ पे टिकटॉक स्पॉन्सर होता है। ये सब चीजें ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप्स में आ जाती हैं। अगर कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन 300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप्स से आता है। इसके अलावा PCB ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से पैसे कमाती है। वो टीवी चैनल्स जिन पे PSL मैचेस दिखाए जाते हैं, उनको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे जाते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि ब्रॉडकास्टर्स खुद पैसे कैसे कमाते हैं। दोस्तों, PSL के मैच के दौरान जो आपको एड्स दिखाए जाते हैं, उन 10 सेकंड के एड्स की कीमत 15 लाख से भी ज्यादा होती है, जिन पे पूरा हक उन ब्रॉडकास्टर्स का होता है, और ये चैनल्स उन एड्स के जरिए अरबों रुपए कमाते हैं। दोस्तों, 2015 में जब PSL लॉन्च हुआ था तो 5 टीमों को ऑक्शन किया गया था। इन टीमों की कॉस्ट तकरीबन $93 मिलियन थी, जिसमें सबसे महंगी कराची किंग्स बिकी थी ऑलमोस्ट $26 मिलियन। लेकिन 2 साल बाद 2017 में एक और टीम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और वो टीम थी मुल्तान सुल्तान जो के $45 मिलियन में बिकी थी। ये सारा का सारा पैसा PCB के पास जाता है, इसका जरा सा भी प्रॉफिट किसी के भी साथ शेयर नहीं किया जाता। अब सवाल ये आता है कि PSL के प्लेयर्स के खर्चे कौन उठाता है। दोस्तों, PSL की हर टीम का कोई ना कोई फ्रेंचाइजी ओनर जरूर होता है, और वो ओनर ही अपनी टीम के प्लेयर्स का खाने का, पीने का, उनकी सैलरी, उनकी रिहाइश, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब एक्सपेंसेस ओनर ही पूरे करता है। लेकिन ये खुद भी कुछ कमाता है या नहीं? अगर हाँ तो कैसे? दोस्तों, आपने प्लेयर्स के यूनिफॉर्म पे बड़े बड़े ब्रांड्स के लोगोस देखे होंगे। इन लोगोस को टीम स्पॉन्सर कहा जाता है। ये ब्रांड्स अपना लोगो ऐड करवाने के करोड़ों रुपए पे करती है, जो सीधा ओनर की जेब में जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी टिकट्स बेची जाती हैं, उनका भी 95% प्रॉफिट टीम्स को दिया जाता है। और प्राइस पूल की बात करें तो प्राइस पूल का 50% हिस्सा ओनर के पास जाता है, और बाकी 50% टीम के प्लेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं ये प्लेयर्स खुद कैसे पैसे कमाते हैं। दोस्तों, PSL के अंदर तमाम प्लेयर्स ड्राफ्ट में मौजूद होते हैं, और ड्राफ्ट के अंदर 5 किस्म की मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है, प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और एमर्जिंग। प्लैटिनम कैटेगरी सबसे
सबसे टॉप पे होती है और इस कैटेगरी के प्लेयर सबसे महंगे बिकते हैं। प्लैटिनम कैटेगरी के प्लेयर्स की कीमत 3 से 4 करोड़ होती है, जिसमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह जैसे प्लेयर्स को खरीदा जाता है। इसके बाद आती है डायमंड कैटेगरी, जिसमें प्लेयर्स की कीमत 1.5 से 2 करोड़ होती है। ऐसे ही हर कैटेगरी के हिसाब से प्लेयर्स को खरीदा जाता है। दोस्तों, पीएसएल की कोई भी टीम इस वजह से मोटिवेट नहीं होती कि उसको जीतने पे 12 करोड़ मिलेंगे, बल्कि वो पीएसएल ट्रॉफी को अपने नाम इसलिए करना चाहती है कि उसकी ब्रांड वैल्यू मजीद इंक्रीज होगी। ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो उस टीम को ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी। ज्यादा स्पॉन्सरशिप मतलब ज्यादा प्रॉफिट। इसलिए कोई भी टीम सिर्फ प्राइज मनी जीतने नहीं आती, बल्कि वो अपनी ब्रांड वैल्यू डेवलप करने आती है। उम्मीद है आपको पीएसएल का बिजनेस मॉडल अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।